हरियाणा में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पेंशन वितरण घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते एडवोकेट प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले में दो प्रकार के लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट दिया गया। एक वे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम से बुढ़ापा पेंशन जाती रही। दूसरा ये कि अंडर एज होने के बावजूद भी ये पेंशन का लाभ ले रहे थे। तो ये मामला था हरियाणा में मृत व्यक्तियों को पेंशन देने का घोटाला। एग्जैक्ट ये पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए संक्षेप में क्या था और अब कोर्ट ने क्या कहा और याचिका क्या थी। देखिए, इसमें दो तरह के लोगों को जो है लीगल पेंशन का बेनिफिट दिया गया। एक तो थे जो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उनके नाम से पेंशन जाती रही, बुढ़ापा पेंशन जी। और दूसरी तरह के थे जो कि अंडर एज थे, कोई 40 साल का था, कोई 50 का था, उसको 60 का दिखा के जो है पेंशन लेते रहे। दो तरह की कैटेगरीज थी जो है। या फिर तीसरी कैटेगरी ये थी कि जिनको और सोर्सेज से गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही थी ऑलरेडी, जो कि एलिजिबल नहीं थे इसको बुढ़ापा पेंशन लेने के, वो भी ले रहे थे जो है। तो इस बारे में जो है पिटिशनर राकेश बेंस ने जो है ईडी को, सीबीआई को और हरियाणा गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि भाई ये पूरे हरियाणा में स्कैम हुआ। इस बारे में आपको बताऊं कि सीएजी रिपोर्ट भी आई थी। कैग ने भी खास तौर से कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन कैग की रिपोर्ट पे भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमने भी जो है कैग की रिपोर्ट को सरकार को भेजा, तब कोई कार्रवाई नहीं। तो हाईकोर्ट में हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए केस डाला था हाईकोर्ट में जो है। तो पिछली डेट पे जो है, लास्ट डेट पे जो कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो के शत्रुजीत कपूर जी से, और